नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़रूरी सूचना के बारे में दोस्तों, जो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि दोस्तों, यदि आप OBC, SC और ST से कैटेगरी के हो तो दोस्तों आपके लिए यह बहुत ज़रूरी सूचना है। आप अपनी यह पूरी वीडियो जरूर देखेगा दोस्तों। इसमें आपके जाति और निवास प्रमाण पत्रों से संबंधित जो है सूचना है दी गई है, ठीक है दोस्तों। सभी लोग भी देख सकते हैं, इसमें DB की जरूरी शर्तें कुछ बताई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और जान लेते हैं क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो यहाँ पर शर्तें दी गई हैं, उनको अपन ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इनको देखने के लिए आपने यदि इसको जो कट ऑफ आया है उसको यदि आपने इसमें देखा होगा तो उसमें ही यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए डायरेक्ट अपन इस पर कट ऑफ पर ही देख लेते हैं। जैसे ही आप इस कट ऑफ को डाउनलोड करोगे दोस्तों, उसमें सबसे पहले तो आपका यहाँ पर कट ऑफ शो होता है, ठीक है, कि कट ऑफ क्या रहा। जैसे दोस्तों ये ओपन हो जाती है, सबसे पहले यहाँ पर अपना आपका कट ऑफ दिखाई देता है। जैसे जी आपको यह कट ऑफ तो आपने देख ही लिया होगा, जनरल का 215, OBC 204, SC 172 और ST 135 नंबर। दोस्तों यह कट ऑफ तो आपने देख ही लिया होगा, आशा करता हूँ इनके कट ऑफ के समथिंग ही आपके नंबर हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सब में नीचे जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए जी है यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। यह दोस्तों तीनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए इसमें आखिर लिखा क्या है, इसमें लिखा है दोस्तों यह OBC का सबसे पहले अन्य पिछला वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु पुलिस सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप के में जाति प्रमाण पत्र दिनांक 1/4/2017 से पंजीकरण की अंतिम तिथि 22/2/2018 तक ही होनी चाहिए। यानी कि 1/4/2017 से और 22/2/2018 के बीच ही यहाँ पर आपकी पंजीयन की तिथि होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं SC वालों की, तो SC और ST वालों की यहाँ पर दोस्तों जाति प्रमाण पत्र जो है उसका अंतिम तिथि 22/2/2018 से पूर्व किसी भी तिथि का निर्गम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी आपके यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र और जो निवास प्रमाण पत्र है उसकी दोस्तों यहाँ पर जानकारी या डेट ऑफ बर्थ जो डेट दी गई है यहाँ पर, उससे उसके समथिंग ही आपके जो डॉक्यूमेंट है वह होनी चाहिए। यदि नहीं हुए तो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों यह जो सूचना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए तथा किसी भी प्रकार के यहाँ जो 36 आरक्षण के अंतर्गत आवेदन का दावा करने वाले विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप में जो निवास प्रमाण पत्र वर्तमान समय जो इस बात का प्रमाण हो कि अभ्यर्थी असमर्थ की अवधि में उत्तर प्रदेश का निवासी था या होना चाहिए, ठीक है। यदि दोस्तों आप इस डॉक्यूमेंट जो दी इसकी डेट के समथिंग के नहीं है तो दोस्तों आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाओ और आपको इसका कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला जो इससे लाभ मिलता है। तो दोस्तों यदि आप कुछ भी आपके मिस्टेक है तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल तैयार कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।